का क्या रूल है, हम पहले फिर से बता रहे हैं कि अगर हम कहीं से इनकम जनरेट करते हैं, है ना, अगर इनकम जनरेट करते हैं लेट सपोज कि 2 लाख रुपया का, और इसमें से कहीं पे अगर हम डोनेशन दें, क्या दें, डोनेशन दें, सपोज करो 70,000 का डोनेशन दें, या फिर ऐसा कर ले कि हम LIC खुलवा दें, कितना का, 70,000 का, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ कितना रुपया पे, 1,30,000 पे। ऐसा क्यों करता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करता है ताकि जो जनता है, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो सेविंग की तरफ बढ़े। किसकी तरफ बढ़े? सेविंग की तरफ। आदमी क्या होता है, जैसे कि हम मानो कि हम पैसा सेव नहीं करते हैं, और अचानक से मेरे को कुछ हो गया, अचानक से मेरे को कुछ, तो मेरा घर वाला क्या हो जाएगा, घर वालों को आफत पड़ जाएगा। एक तो उनके पास पैसा नहीं है ना, और जहाँ से इनकम आने वाला था वो भी क्या हो गया, रुक गया, वो भी क्या हो गया, फॉर दैट पर्पज गवर्नमेंट हमको बोलता है कि आप काम कीजिए, अपना LIC करवा लीजिए। क्या करा लीजिए? LIC माने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इससे कराने से क्या होगा कि अगर हम 70,000 रुपया देंगे तो मेरे को कुछ होता है तो LIC कंपनी मेरे घर वाले को 70 लाख रुपया देगी। कितना देगी? अब सोचो तो 70 लाख मिलेगा ना घर वाले को। अब 70 लाख मिलेगा तो घर वाला को प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, मेरा कमी जो है उतना खलेगा नहीं, है ना। ऐसा बोलता है लोग कि LIC एजेंट जो होता है, LIC एजेंट कौन होता है, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है ना, एक वही बंदा होता है जो आपके घर में घुस के आपके मरने का फ़ायदा आपको बता सकता है कि आप मर जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। तो उसके पास इतना हिम्मत होना चाहिए, है ना, जो भी हो, ये चीज़ बात का बात है। तो लेकिन जो कैजुअल इनकम होता है, कैजुअल इनकम मतलब अगर हम लॉटरी से जीत गए, कहाँ से जीते, लॉटरी से जीते, या फिर मेरे को KBC में गए, कौन बनेगा करोड़पति, और वहाँ से करोड़पति बन के 1 करोड़ रुपया हम क्या कर लिए, कमा लिए, लेकिन 1 करोड़ रुपया मेरे हाथ में मिलने वाला नहीं, गवर्नमेंट टैक्स काट लेगा। क्या काट लेगा? टैक्स काटता कितना है गवर्नमेंट? टैक्स काटता है 31.20%। कितना परसेंट टैक्स काटता है? मतलब टोटल टैक्स का रेट है 30% प्लस एडुकेशन सेस लेता है 4%। कितना परसेंट? तो टोटल हो गया 31.20% वो टैक्स लेगा। कितना परसेंट? 34% मत, 30% का 4%, 30% का, तो 30 + 4% करोगे तो कितना आएगा, 31.12% टैक्स काट लेता है। कौन टैक्स काट लेता है? इंडियन गवर्नमेंट। तो बोला है कि हम लोग, एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि हम लोग लॉटरी से इनकम जनरेट किए हैं। क्या क्या किए हैं? इनकम जनरेट किए हैं कि कहाँ से? लॉटरी से, लॉटरी से ना। एक स्टूडेंट थी, वो लॉटरी से इनकम कितना जनरेट किया है? 68,800 रुपीस वो रिसीव किए। किससे? गवर्नमेंट से। किससे रिसीव किए? लॉटरी जीतकर। क्या जीतकर? अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट जो पैसा देगा, हम अगर करोड़पति बनते हैं, हम 1 करोड़ का जीतते हैं प्राइस, तो क्या गवर्नमेंट मेरे को पूरा पैसा दे देगा? नहीं, इसमें से 31.20% क्या कर लेगा, काट लेगा, और बाकी का 68,80,000 रुपया क्या करेगा, मेरे को दे देगा, है ना। तो करोड़पति कोई जीतता भी है, कौन बनेगा करोड़पति, फिर भी वो करोड़पति हो माने गवर्नमेंट जो है वो होने नहीं देता है। तो इसमें से कितना परसेंट टैक्स काटा गया है? 100 में से 31.20% टैक्स क्या कर लिया गया है, काट लिया गया है। तो ये जो इनकम है वो 68.80% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है? 68.80% के बराबर है। तो इसीलिए ये बंदा लॉटरी इनकम कितना का जनरेट किया था, ये लॉटरी रिसीव्ड हुआ था, ये क्या हुआ था, लॉटरी का पैसा रिसीव हुआ था, कितना रुपया, 68,800। लेकिन लॉटरी का इनकम हुआ कितना था, एक बार कैलकुलेटर में करो, 68.8 डिवाइड बाई 68.80%, है ना, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 लाख रुपया। ये लॉटरी कितना का जीती थी? 1 लाख का। लेकिन तो टैक्सेबल इनकम कितना हुआ? 1 लाख। टैक्सेबल इनकम कितना हुआ? 1 लाख। नीचे में लिखो नोट, नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम से किसी भी टाइप का डिडक्शन मिलने वाला, ये तुम्हारा मन कर रहा है, तुम चैरिटी कर रहा है, गवर्नमेंट थोड़ी ना बोला चैरिटी करने के लिए, तो तुमको किसी भी टाइप का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तुमको टैक्स कितना पे देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए पे। इसको कॉपी कर लो।
बस इतना ही क्वेश्चन है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि मिस्टर विशेष शर्मा इज अ पार्ट टाइम टीचर इन अ कॉलेज। हिज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 1920 वेयर एज फॉलो। उसको पार्ट टाइम सैलरी मिला है कॉलेज से कितना का, 30,000 का। रेमुनरेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर एग्जामिनिंग स्क्रिप्ट, मैंने कॉलेज से, कॉलेज का पेपर एग्जाम कॉलेज में नहीं हुआ है, एग्जाम हुआ है यूनिवर्सिटी का, किसका, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है और यूनिवर्सिटी उसको पेमेंट दे रहा है, कॉलेज पेमेंट नहीं दे रहा। तुम ऐसा समझो कि हम ऋषभ विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं और हम कॉपी चेक किए वेस्ट बंगाल बोर्ड का, तो हमको पैसा कौन देगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड मेरे को पैसा दे रहा है ना, विद्यापीठ पैसा नहीं दे रहा है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। लेकिन अगर पैसा हम कॉपी चेक करते विद्यापीठ का, किसका कॉपी चेक करते, विद्यापीठ का कॉपी चेक करते हैं, और विद्यापीठ मेरे को क्या करता, पैसा देता उस कॉपी चेक करने का, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी होता। क्यों? क्योंकि विद्यापीठ मेरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड मेरे को कंट्रोल नहीं करता है। क्लियर? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जो मिला है रेमुनरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट, ये 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या है ये, इनकम फ्रॉम, अच्छा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम अ सिचुएटेड इन बांग्लादेश। अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में रहता तो एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, जो कि इंडिया का कंट्री नहीं है। तो आउटसाइड इंडिया से अगर हमको रेंट रिसीव हो रहा है, कैसा भी लैंड हो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बोला, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मिस्टर शर्मा इन्फॉर्म्स दैट ही हैज स्पेंड 1,000 टुवर्ड्स ट्रेवलिंग फॉर एग्जामिनिंग स्क्रिप्ट। एग्जामिनेशन का स्क्रिप्ट को चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी डेली जाता था, यूनिवर्सिटी से डेली वापस क्या करता था, आता था, कौन, जो मिस्टर शर्मा था वो। तो तुमसे पूछा है कि टोटल टैक्सेबल इनकम कितना होगा, किसका, मिस्टर शर्मा का। तो अगर हम बात करें तो मिस्टर शर्मा का टोटल इनकम तो तीन ही चीज़ से है, एक तो वो कॉपी चेक करता है वहाँ से मिलता है, एक वो पार्ट टाइम जॉब करता है वहाँ से मिलता है, और एक जो है उसको किस चीज़ से मिल रहा है, बांग्लादेश में जो ज़मीन है उससे मिल रहा है। तो जो पार्ट टाइम जॉब करता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, कौन सा वाला, जो पार्ट टाइम जॉब है वो, कितना का, 30,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कौन कौन सा है, रेमुनरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस भी तो क्या है, अच्छा, रिसीव कितना हुआ था, 10,000, उसको आने जाने में खर्चा कितना लगा था, तो उसका इनकम कितना का हुआ, 9,000, चलेगा। अच्छा, और कहाँ से इनकम, इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड इन बांग्लादेश 40,000। तो टोटल इनकम उसका कितना हुआ, तुम इसको तीन भाग में हम कर दे रहे हैं, तीन अमाउंट का कॉलम खोल दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये 30,000, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना हुआ, 49,000, तो इसका टोटल इनकम कितना हुआ, 79,000 क्या आया, टोटल टैक्सेबल इनकम। बस देख के छाप देना था, कुछ करने वाला चीज ही नहीं था, कॉपी करो, हाँ, ये दूसरा बुक से करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है, बोला है मिस्टर पलक मुखर्जी रिसीव फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18, विनिंग फ्रॉम सिक्किम लॉटरी। सिक्किम लॉटरी से हम लोग कितना रुपये रिसीव किए हैं, 35,000, है ना। अच्छा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस एट कोलकाता कितना रिसीव किए हैं, 4,000। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स 7,500। विनिंग फ्रॉम मेस्योर लॉटरीज कितना का, 8,000 का, है ना। ओए म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो,
राधा क्लियर। अच्छा वहाँ पे 10,000 लिखे थे तुम लोग, अभी जो हॉर्स रेसेस वाला लिखवाए उसमें 10,000 लिखे थे ना, 5,000 लिखे थे ना, 5,000 फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अभी जो नोट्स में लिखवाए उसके बगल में लिखो, जहाँ पे अभी 5,000 वाला लिखा है ना उसके नीचे लिखो 10,000 फॉर अदर कैजुअल इनकम, 10,000 फॉर अदर कैजुअल इनकम। मतलब कि अगर इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस है तो 5,000 तक का टैक्स नहीं लगता है ना, टीडीएस नहीं कटता है, और अदर कैजुअल इनकम है जैसे लॉटरी वगैरह जीत रहे हैं तो उसमें टैक्स जो है वो 10,000 तक टैक्स नहीं काटा जाता है। कितना तक? 10,000 तक टैक्स नहीं काटा जाता है। इसमें पूरा इसकी नारा देखो तो जितना लिखे हैं, ठीक है चलो एक बार देखो, हमको मेरा जो फिगर है वो उठपटांग फिगर है कि सीधा सीधा देखने में लग रहा है, जो मेरा फिगर दिए हैं क्वेश्चन में उस फिगर को देखो उसमें उठपटांग फिगर लग रहा है कि ऊपर सीधा सीधा फिगर लग रहा है। जैसे पहला फिगर देखो 35,000 का है ना, दूसरा फिगर कितना का है 4,000 का है, 7,500 का है और 8,000 का है और 14,000 का है। मतलब यहाँ पे जो है टैक्स का रेट जो काटा गया है वो 30% से काटा गया है। कितना परसेंट से काटा गया है? 30% से। हम बोले थे ना तुम लोग को जो पहला दिन पढ़ाए थे कि टीडीएस जो काटा जाएगा या तो 30% से काटा जाएगा या 31.20% से काटा जाएगा, है ना। जब सीधा सीधा फिगर होगा तो समझना कितना से काटा गया है, 30% से काटा गया है। जब उठपटांग फिगर रहेगा, जैसे ये फिगर उठपटांग है कि सीधा है? उठपटांग है ना, और ये फिगर सीधा है कि उठपटांग है? सीधा है, समझ में आया, ये कॉमन सेंस का बात है। जैसे 70,000 उठपटांग फिगर है कि सीधा फिगर है? सीधा फिगर है ना, और 1,40,000 सीधा फिगर है, लेकिन उठपटांग फिगर कैसे रहेगा हम बता रहे हैं। 2,00,000 का अगर 68.8% लेंगे तो ऐसा फिगर आएगा, तो 1,37,600 सीधा फिगर है कि उठपटांग फिगर है? समझ में आया। तो जब उठपटांग फिगर है ना तो वो 31.20% टैक्स काटा है, अगर वो सीधा फिगर है तो मतलब वो कितना परसेंट टैक्स काटा है? 30% टैक्स काटा है। जो भी हो, पहला क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या था? विनिंग फ्रॉम सिक्किम लॉटरी दिखाई दिया, विनिंग फ्रॉम सिक्किम लॉटरी, और ब्रैकेट में नेट दिया है कि ग्रॉस दिया हुआ है? नेट मैंने टैक्स काट के दिया हुआ है, नेट मतलब तो जो हमको रिसीव हुआ है वो 35,000 रिसीव हुआ है, और सीधा फिगर इसलिए मैंने टैक्स कितना परसेंट काटा है, तो मेरे को मिला कितना परसेंट है? अगर 100 में से 30% गवर्नमेंट काट लिया है तो कितना परसेंट हमको टैक्स दिया है? 70%। तो जो 35,000 है वो कितना परसेंट के बराबर है? 70% के बराबर है। हमको लॉटरी से कितना इनकम होना चाहिए? 50,000 इनकम हुआ था, टैक्स काट लिया 30%, मतलब 15,000 काट लिया, और मेरे हाथ में कितना पकड़ाया? 35,000। तो हम निकाल लिए कि हमको मिलना कितना चाहिए था। अच्छा उसके बाद देखो, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस दिखाई दिया। अच्छा यहाँ पे टीडीएस काटा है होगा कि नहीं काटा होगा? क्यों नहीं काटा होगा? हाँ, क्योंकि अमाउंट क्या है? 5,000 से कम है। अगर अमाउंट 5,000 से कम रहेगा, अगर अमाउंट कैसे कम रहेगा? 5,000 से कम रहेगा तो हम लोग, सॉरी, अगर अमाउंट 5,000 से क्या रहेगा? कम रहेगा तो हम लोग अमाउंट जो दिया हुआ है वही उतार देंगे, 4,000। फिर क्या है देखो, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। अरे यार हेलो, हाँ तो क्या बोल रहे थे कि अगर हमको विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है और मेरा इनकम 5,000 से कम है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटता है। उसी तरह विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल है, क्या है? क्रॉसवर्ड पजल्स। तो अगर मेरा इनकम कितना से कम रहेगा, तो अगर मेरा इनकम 10,000 से कम रहेगा, कितना से कम रहेगा? तो 10,000 से कम रहेगा तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटता है, तो वहां पे हमको 70% से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो जितना इनकम है उतना उतार देना है। कितना इनकम है? 7,500। फिर क्या है? विनिंग फ्रॉम माइसोर लिमिटेड, माइसोर लॉटरी ना, विनिंग फ्रॉम माइसोर लॉटरी,
ये भी 10,000 से कम है ना, तो इसमें टैक्स काटा होगा कि नहीं काटा होगा? नहीं काटा होगा, सिंपल सा बात है। कितना रुपया? 8,000 है ना। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस कितना? अच्छा यहाँ पे 14,000 है जो कि 10,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टैक्स काटा होगा कि नहीं काटा होगा? तो डिवाइड पे कितना परसेंट करेंगे? अच्छा ये बताओ, उल्ट पटांग फिगर लग रहा है, 14,000 सीधा फिगर लग रहा है ना, तो डिवाइड बाई कितना परसेंट करेंगे? अगर उल्ट पटांग फिगर लगेगा तो कितना से करेंगे? 68.80 से, ठीक है, करो एक बार, 20,000 आएगा। तो टोटल इनकम कितना हो गया? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ए के मुखर्जी वाला बुक खरीद लोगे जितना जल्दी हो सके, है ना, 89,500 देखो तो, 89,500 कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, बुक का नाम लिख लो, ए के मुखर्जी, हम पिक दे रहे तुम लोग को, इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं कि इतना मेरा इनकम हुआ और इस पर आप टैक्स लीजिए। तो अगर इंडियन, ये क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद तुमको बोल देता है कि तुम अपने से ईमानदारी से तुम अपना टैक्स अपने बता दो कि कितना हुआ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि 130 करोड़ देशवासी के पास जाएगा, पूछेगा कि आपका इनकम कितना हुआ है, उस पर टैक्स दीजिए। तो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया कि तुम अपना इनकम अपने बता दो। हाँ, लेकिन जिस दिन मेरे को डाउट हुआ, हम आपके घर में घुसेंगे और चेक करेंगे, और उस दिन टैक्स इनकम अगर ज़्यादा निकल गया बाबू, तो जितना ज़्यादा निकलेगा उस पर पूरा ज़िंदगी भर का हम 30% से टैक्स लेंगे। समझ में आया ये चीज़? तो इसीलिए कहा जाता है कायदे से अपना इनकम अपने टैक्स पेड कर लो। मिस्टर अशोक गुप्ता फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंसिंग ईयर 17-18। क्या क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस वाला नहीं होगा, देखो पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक ही तो लिखे थे सिक्योरिटीज, चूंकि 10% टैक्स होता है, तो 100 में से तो 10% काट लिया है, तो मेरे को मिला कितना परसेंट था? 90%, तो डिवाइड देंगे 90% तो कितना फिगर आएगा? 20,000 है ना। फिर दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 17 एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के हिसाब से। किसके हिसाब से? सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के हिसाब से एग्जेम्प्टेड है ना, टैक्स देने का जरूरत नहीं है। फिर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, चूंकि ये ग्रॉस दिया हुआ है मेरे को, तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। कितना रुपया है? 30,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अगर सिंगल ओनर है तो एग्जेम्प्टेड होता है कहाँ तक? 3,500। हमको मिला कितना है यहाँ पे? 3,000। तो 3,000 3,500 से कम है, तो इस पर पूरा टैक्स नहीं लगेगा इस पर, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, चूंकि ये ग्रॉस दिया हुआ है, नेट नहीं दिया हुआ है, तो हम ये लोग देख के क्या कर देंगे? उतार देंगे। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 62,000। कर लो कॉपी, जिसका नहीं हुआ है। हाँ,